के 29 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 02:38 PM। जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, समझे, जिस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी डिमोनेटाइजेशन जैसी महामूर्खता करने में माहिर हो, उसके कार्यकाल में स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापकों में मूर्खों की भरमार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिस देश का प्रधानमंत्री मोनेटाइजेशन के बाद डिमोनेटाइजेशन लाता हो, ऐसे महामूर्ख प्रधानमंत्री के देश की मीडिया में मूर्खों की भरमार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने मित्र राष्ट्रों के राष्ट्रपति को मारने का आदेश देता हो, ऐसे महामूर्ख प्रधानमंत्री की सेना में महामूर्ख मिलिट्री जनरल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब ये, जिस देश के प्रधानमंत्री को रांची में एडमिट कराना पड़ गया हो बहाने से ही सही, योगा डे के बहाने, उस देश के प्रधानमंत्री की कैबिनेट में मूर्खों की भरमार ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों अमित शाह जी? अमित शाह जैसा तेज दिमाग सिपे सालार जिसके पास हो, उसके बावजूद अगर वो डिमोनेटाइजेशन जैसी महामूर्खता करता हो, तो अमित शाह जी, मेरा तो कहना आपको यही है, कि खुद ही अपने हाथ से अपने इस नौनिहाल का गला घोट दो तो ज्यादा अच्छा होगा। इस महामूर्ख प्रधानमंत्री की अपार महामूर्ख सफलता के बाद, इसकी मूर्खता की सफलता के बावजूद अगर मीडिया में इसका महामंडन ना हो, तो पता कैसे चलेगी इन महामूर्खों की जमात कहां तक है। ऐसे देश में न्यायाधीशों में भी मूर्खों की भर्ती अगर हो रही है तो कोई इसमें अचंभे की बात नहीं। भारत की एक ऐसी संसद जिसमें एक तरफ पप्पू बैठा हो और दूसरी तरफ बेलूर मठ का शिष्य प्रधानमंत्री के स्वरूप में बैठा हो, उसकी संसद से बुद्धिमता की उम्मीद की जाए, ऐसा हो नहीं सकता। चाय पीजिए। पड़ोसी राज्य
पड़ोसी राज्य में बैठा एक व्यक्ति इमरान खान महामूर्ख हो, समझे, और वो मोदी का शिष्य ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। भारत की संसद में पप्पू के होने के बाद सब पापा बन गए और बेलूर मठ से शिष्य गुरु मंत्र लेके आने वाला दादा बन गया और पार्टी अभी भी शुरू ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अपने ही छात्रों के परिजनों से बैर भाव रखने वाले स्कूल की तरक्की हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और उस स्कूल के कस्टोडियन जैन धर्म के लोग ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुंह बंद रख के पढ़ोगे कैसे और बिना बोले पढ़ाओगे कैसे? ऐसे स्कूल का संचालन आचार्य तुलसी वाले ना करें, ठीक है, और हम विरोध ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। उस स्कूल को जो है आचार्य तुलसी विल मस्ट गो टू हेल्प दोज हु कांट एबल टू स्पीक एंड कांट एबल टू हियर फॉर डीप इन टर्म्स। ऐसे को दिव्यांग कहने वाले महामूर्ख प्रधानमंत्री की लाल किले और 26 जनवरी पे परेड ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो, अगली बार जब अगला कोई भी कार्यक्रम अगर मोदी जी द्वारा किया जाए तो डेफिनेटली बेटा बचाओ होगा, और वो बेटा राहुल गांधी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भारत में संसद में इतने चमत्कार होते आए हैं, ना बोलने वाला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, मूक मोहन सिंह, मूकासुर, और अत्यधिक बोलने वाला बकासुर मोदी, और अगले प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले व्यक्ति की बात करें तो राहुल गांधी जी मूर्खासुर।
अब भी अगर भारत में प्रभु श्री राम का अवतार ना हो इस देश को इन असुरों से बचाने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता। मैं रेवेन्यू बता रहा हूं अमूल का, कि भारत में अमूल मदर डेयरी का जो रेवेन्यू है वो अंदाजन 60,000 करोड़ रुपया है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब जानते हैं हार्ड कैश होता है, हर तरह के सोर्सेस से आने वाला पैसा, और उसे मतलब फुल टू कंपनी का पैसा माना जाता है। 60,000 करोड़ रुपया सालाना के रेवेन्यू वाली कंपनी को नज़रअंदाज कर देना, भारत सरकार में बैठे हुए व्यक्ति नरेंद्र मोदी को मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे में इन कंपनियों के रेवेन्यू की वैल्यू तो उतनी ही रहनी चाहिए, पर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैश को कम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके प्राइस डाउन करके जो है सीधे तौर पे उसमें लागत बढ़ा दी जाए और सप्लाई और कंजम्पशन में सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से बात सुधर सकती है। ऐसे में भारत सरकार के वित्त नीतिकार जो हैं ये भूल जाते हैं कि 60,000 करोड़ रुपया तो शायद मारुति महिंद्रा रिलायंस जैसी कंपनियों का भी नहीं है। इसके बाद भारत में दूसरी चीज है चीनी, शुगर। भारत में चीनी की कंजम्पशन जो है शुगर की सालाना 4,25,00,000 करोड़ रुपया है रेवेन्यू है, मतलब अकेले 4 ट्रिलियन के लगभग की चीनी की खपत भारत में होती है, और इसमें डायरेक्ट रेवेन्यू जाता है, और यही जो है आपका मेन कारण बनते हैं भारत में मुद्रा स्फीति पे असर डालने वाले। पेट्रोलियम के कारोबार में तो कैश कम कार्ड मनी ज़्यादा है, अब बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में उस पैसे को चैनल आउट कर पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो पैसा जिस सेक्टर के लिए चला जाता है वो उसमें खप जाता है, आप उसको निकाल नहीं सकते। भारत में मोदी जी द्वारा चीनी के दामों को कंट्रोल करने का एक नियम बनाया गया कि पहले भारत के अंदर जो शरद पवार वॉज अ किंग पिन बिहाइंड प्राइस हाइक, स्टिल ही इज, भारत में शरद पवार अवैध मुद्रा व्यापार, नेशनल कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष शरद पवार उन व्यक्तियों में से है जो भारत के अंदर चीनी के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के पक्ष में था,
पर मोदी के आने के बाद मोदी ने हालांकि कहा तो कुछ और था, बाद में उसको सीक्रेसी ने चेंज कर दिया आईबी ने। और शुगर की कंजम्पशन भारत के अंदर जो है पहले होगी। और हाँ एक मिनट, आप लोग शोर मत मचाइए, गन्ना किसानों का बकाया पैसा मैंने दिया है सर, मैं हितेश हूँ, बिल्कुल दिया है। जी हाँ, जो शरद पवार की शुगर मिलों ने, चीनी की मिलों ने, जी हाँ, गन्ना किसानों का जो पैसा रोका था, मैंने पेमेंट कराई है सर, बिल्कुल कराई है। इस हिसाब से फिर हमने शुगर मिल्स खरीदी हैं। आप बोल नहीं सकते आप में से कोई भी, बिल्कुल करिए सर। जहाँ जहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट मतलब ये शेयर बाजार नहीं, स्टॉक जहाँ स्टॉक किया जाता है, जहाँ जहाँ किसानों का पैसा बकाया था, हमने उस पैसे को वापस करते समय ये नहीं सोचा कि एक किसान के आपका 80 लाख रुपए बकाया है या 10 करोड़ रुपए बकाया है, कोई बात नहीं आप लीजिए ना। इस प्रकार से हमने जो है किसानों का पैसा जो है कैश दिया है इमीडिएटली। जैसे प्याज आलू इनका स्टॉक हुआ, अब उनके बड़े बड़े ये स्टॉकिस्ट हैं, ठीक है जब बिकेगा तब पेमेंट कर देंगे, अब किसान चक्कर काट रहा है, नहीं हमने स्टॉक खरीदे सर, हमने स्टॉक खरीदे, पेमेंट करी, लिस्ट निकाल भैया किस किसान का कितना पैसा है, कह रहा जी बिकेगा तो पैसा आएगा तो देंगे, तू इधर दे ना, हमने खरीदा ना स्टॉक, हम देंगे ना पैसा, बुलाओ किसानों को, मैसेज भेज देते थे, किसान अपना आते थे, लो सर आप अपना पैसा लीजिए, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं सर, हमारे पास लीफ होती हैं, ठीक है 10-10 लाख की लीफ होती हैं, 1 लाख 10 लाख, किसी की 10,000-20,000 भी पेमेंट है, फिर भी हम 1 लाख रुपए की लीफ पकड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, आप उगाओगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से। और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम कीजिए, हम जोर इसी बात पे देते हैं। तो ये बात शरद पवार को समझ नहीं आई, शरद पवार जी बुरा मान गए, मान जा भैया हम जाएंगे, यहाँ तो कहते हैं देख भाई ऐसा है सबसे बड़ा पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो, सिंपल है। तो फिर हमने जब भारत में गन्ना किसानों को, आपने काफ़ी लंबे समय से गन्ना किसानों की न्यूज़ नहीं दी ना, देखी कि गन्ना किसान परेशान है, देखी न्यूज़, हमने करी सर पेमेंट, शुगर मिल पूरी पूरी उठा ली, जाओ सर आप पेमेंट कितनी भी हो हम करेंगे, ठीक है। और कितने भी समय से पेंडिंग, कंपनी अकाउंट में लिखा हुआ है ना, और आप पर्ची ले आए साहब इतना टन मैंने माल भेजा था, लाओ सर, ओके डन, लैपटॉप लेके बैठते हैं, अकाउंट नंबर तट्टा लीजिए सर, चेक कर लो एटीएम है बगल में, हाथ के हाथ पेमेंट से, कोई गन्ना किसानों की पेमेंट हमने रोकने ही नहीं दी शरद पवार को, इन्होंने एक गेम खेला। भारत के अंदर दूध के दाम कैसे बढ़ेंगे मैं बताता हूँ, स्टॉक करना शुरू कर दिया, स्टॉक कम होने लगा तो फिर अब माल खरीदने के लिए दाम बढ़ा दिए। 1 रुपए का गेम पता है आपको, मोदी जी को कब पहली बार हमने पकड़ा था, ये 1 रुपए का गेम समझाता हूँ। रेलवे के अंदर पहली बार जब ये गेम पकड़ा ना मैंने मुझे किसी ने समझाया भी था, मैंने हाँ यार बात तो सही कह रही, हर टिकट रोज रेलवे में कितनी टिकट कटती होगी, मेरे ख्याल से ऑल ओवर इंडिया में 8 करोड़ के लगभग यात्री। देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले कैसे पैसा निकालने के लिए मूड में थे, पर मैं सेंट्रल विजिलेंस, केंद्रीय सतर्कता आयोग में, मुझे पता है कौन लेके आए, नहीं मालूम, आईआरसीटीसी वाले, मुझे आईआरसीटीसी वाले लेके आए,
बाद में भारतीय जनता पार्टी और बहुत लोग इस बात की जांच में लग गए कि यार IRCTC वालों ने मेल कैसे भेज दी इसको। मैं अपने आप थोड़ी ही उसमें हुआ, IRCTC की ईमेल आई थी सेंट्रल विजिलेंस के लिए कि आप जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की जो है ईमानदारी की शपथ लीजिए। मैं ठीक है, चाहे वो औरों को भी भेजी गई हो, मैं तो अपने आप को इंडिविजुअल मानूंगा। जी हाँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC, IRCTC ने जो है मुझे सेंट्रल विजिलेंस में बुलाया इसी वजह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा खेल पकड़ा मैंने, और वो ये था कि मोदी ने क्या करा, एक रुपए से कमाना शुरू करा। कैसे? इंश्योरेंस में एक रुपया डाल दिया और एक मद्रास में एक इंश्योरेंस की एक कंपनी खोल ली रेलवे के अंदर, और एक रुपए प्रति यात्री इंश्योरेंस लेने लग गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की वो पहली कंपनी थी जो हम लोगों ने पकड़ी। जी हाँ, प्रत्येक यात्री पे एक रुपया इंश्योरेंस लेना शुरू किया। अगर एक टिकट पे चार यात्री जा रहे तो चार रुपए हो गया। नहीं, ये पर्टिकुलर कंपनी नरेंद्र मोदी की थी सर। जी हाँ, राम नाम राम श्री राम इंश्योरेंस कुछ करके इसने बनाई थी, इसी की थी मोदी की। हाँ जी, अमित शाह भी नहीं है उस कंपनी में। ये 8 करोड़ रुपया पर डे, और यही खेल इसने बसेस की टिकट में, बिजली इंश्योरेंस, जीवन बीमा सेक्टर में इसने सबसे बड़ी सेंधमारी करी एक रुपए की। जब इस बात को मैं बैठ के ना सोचता रहता था, मैंने कहा यार ये किस हिसाब से, मैंने बैठ के एक दिन कैलकुलेशन निकाली, कंपनी ट्रेस मारी मैंने कि इस कंपनी का मालिक कौन है। मैं तो आदत में तो गोभी खोद देता हूँ किसी की, पता करते 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 कि भाई इंश्योरेंस किस कंपनी से आ रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेट पे ऑनलाइन टिकट बनाता था तो पता लग जाता था कि उसमें इंश्योरेंस कराना है आपको, क्लिक करना पड़ता था, क्लिक कर दिया पहले नहीं, बाद में बीच में मैंडेटरी कर दिया था, फिर ऑप्शन आया, और उस हिसाब से मोदी सीधे तौर पे पैसा कमाता था सीधे, और वो इसका पर्सनल था, उस पैसे को बाहर निकालेगा कैसे। तो एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया इसने IRCTC में इंश्योरेंस का। जी हाँ, तो हमने नरेंद्र मोदी को पहली बार सेंट्रल विजिलेंस ने जो है आड़े हाथ ले लिया, और उनको शायद लगा कि मेरे पे खतरा बढ़ सकता है, तो इसलिए उन्होंने बिना देर करे मुझे सेंट्रल विजिलेंस में लिया। मैं अपना कार्य इसी प्रकार करता रहा। बाद में पैसे की तो खैर क्या कहते हैं, वैल्यू गेम में तो मैं क्या करता था कि टिकट करा के अपनी इंटरनेट पर रखता था, मेरा लैपटॉप तक तोड़वा दिया घर के अंदर, डरा धमका के किया होगा मेरे घर परिवार बच्चों को, वरना मैं लैपटॉप पे बैठ करके फटाफट किसी भी कंपनी का ट्रेस लेना, ओनर ये वो सब निकाल देते। ट्रेन में जाएगा नहीं, अब मेरे साथ फिर धीरे धीरे IRCTC के का अंदाजन 150 लोगों का स्टाफ चलने लग गया था मेरे साथ, फिर RPF और आपका क्या कहते हैं ये एक और पुलिस फोर्स है, मैं भूल जाता हूँ इनका नाम, ये लोग बहुत हाई अलर्ट पे निकलते थे, और IRCTC ने जब धड़ पकड़ करनी शुरू करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, स्वच्छ भारत अभियान में भी ऐसे ही नियम, तो IRCTC का कहना यह था देखिए आपके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों से हमें दिक्कत नहीं है, पर अगर बीमा ही है
तो ऑलरेडी टिकट में बीमा रहता है ना लाइफ इंश्योरेंस, तो न्यू इंडिया वाले भी हैं, प्राइवेट कंपनी क्यों? तो इसके लिए इन्होंने जो है नक्सली रामेश्वरम राम का सहारा लिया और दो एक बार सुरेश प्रभु आया, कन्वर्टेड ईसाई है रेल मंत्री, और कई बार ट्रेन डीरेल्स हो गई, हेड टू हेड कोलिजन, ठीक है। तो और ये अपने आप में इंडियन रेलवे के लिए बहुत बड़ी बात थी, और करवाने वाले यही। तो अब इसको रांची लेके गए तो पागल हो गया है क्या? फिर सुरेश प्रभु को हटाया गया, फिर सुरेश ये क्या नाम है पीयूष गोयल आया, ये और चूतिया निकला। बे भाई तुझे लाला बनिए वाली हरकत करनी है, चावड़ी बाजार जा ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यार, ये मारेंगे बहुत बेटा, तू जानता नहीं है अभी। अब ब्रास होल्डर्स रेलवे के ब्रास होल्डर्स तेरी खाल खींच लेंगे वो लोग। तू रेलवे बोर्ड को तू मामूली समझ रहा है? ब्रास होल्डर जानते हैं कौन होते हैं? इस देश के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो, जी हाँ। पीतल का आई कार्ड होता है, ये नहीं कि कुली पीतल का वो लगा ले, ब्रास का आई कार्ड होता है, ब्रास होल्डर्स होते हैं वो लोग। ये अपने आप को रेलवे के चक्कर में। अच्छा ब्रास होल्डर्स भी बड़े दिमाग से काम करते हैं वो भी, भैया ठीक है रेलवे बोर्ड फैसला लेगा, ठीक है। अब रेलवे बोर्ड के अंदर ये सेंधमारी के चक्कर में, ये तो पागल हो गया है क्या है? ये पता नहीं कहां से अमित शाह मोदी, अरे ये प्राइवेट सेक्टर नहीं है भाई, IRCTC जो है, समझ में आई? हॉस्पिटैलिटी बिजनेस को संभाल रही है रेलवे में। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बंदे ट्रेन में जाते थे और सर्विसेज में कमी निकालने का बनाए बहाने, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब करते थे, बाद में रेल रोको आंदोलन में सब उतर जाते थे। फिर जब मैंने ड्यूटी संभाली, सबसे पहले मैं जो है क्या कहते हैं इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री में आया एज ए सेक्रेटरी जी, उसके बाद मैं नहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री में आया, क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में सेक्रेटरी, फिर मैं आया रेल मंत्रालय में सेक्रेटरी। अब समझे मेरी पोस्ट क्या है, मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हूँ, PMO में मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे सिग्नेचर है नहीं है तो कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से कर लो जो करना। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम सुना है, चीफ सेक्रेटरी हूँ मैं इंडिया में, चीफ सेक्रेटरी ये लोग पता है क्या सोच रहे कि अब चीफ सेक्रेटरी के लिए क्या कहते हैं, कह रहे इसने एग्जाम ये इस पास तो किया नहीं, कह रहे एग्जाम में बैठा नहीं UPSC में, उससे मेरे कितने आए थे UPSC में जो मुझे बताया गया था 48 या 49 नंबर आए थे मेरे फर्स्ट टाइम। SPG नॉन SPG एग्जाम्स होते हैं ना डबल में, 42-41 वाला तो IAS टॉपर कहलाता है भारत में सिविल सर्विस में, UPSC एग्जाम में 41-42 नंबर आ जाते हैं ना तो IAS टॉपर होता है वो। मेरे 48-49 नंबर थे फर्स्ट टाइम, बाद में तो इन्होंने जो है ना मेरे SPG एग्जाम्स ले लिए, कह रहे इसके ब्रेन मैपिंग चेक करो।
जब मेरी ब्रेन मैपिंग देखी, कह रहे छोड़ना, अब क्या माचुदाने के लिए एग्जाम लेगा इसका तू? देखिए पढ़ क्या रहा है, मैं पता है क्या पढ़ रहा था बताता हूँ। उसी बात में तो सुलग गए थे सबके सब, अरे रहने दे ठीक है, इसकी इसकी पढ़ाई अब दूसरे तरीके से चलेगी। कि मैं ये देख रहा, मैंने कहा यार सवाल क्या है ये, पहला देखा उसमें कौन सा मुझे मालूम है, फिर पहले सवाल का जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप ए बी सी डी आंसर, तो मैं अंदाजा लगाया कि मतलब पहले वाले का आंसर अगर बी है तो दूसरे वाले का सी हो नहीं सकता, क्योंकि मशीन कैलकुलेट कैसे करेगी, ठीक है, बी पहले का बी और फिर बी, तो ऐसे कोड बनते हैं। मैं दिखाता हूँ, मैं कोड बना रहा बैठ करके, मेरे एसपीजी